हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार, अभी तक आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ लिया है, और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सरसाइजेज एंड एग्जांपल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, बिल्कुल गाइस, हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ लिया डे वन से अभी तक, तो वो सारा का सारा हम आज रिवाइज करेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पुराना ही पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट से वो पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा, प्लस मैं आपको इसमें कुछ नई चीजें भी बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको जितना भी होगा ट्रिक्स, लॉजिक्स, जितना भी हमने पढ़ लिया है सारा का सारा इस वीडियो में कवर करूंगा, बट कुछ नए मेथड्स और नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यार, मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल एंड ऑल। तो आइए सबसे पहले वेरिएबल डिस्कस करते हैं। इसमें आपको वेरिएबल नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि वेरिएबल होता क्या है। मैं इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा वेरिएबल से को रिलेट करके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ये हो गए वेर वन एंड वेर। ओके, इसमें मैंने डाल दिया सेम 12। आपको पता है अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, ओके, वेर वन इज इट्स वेर वन इज वेर टू। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये आपका एक मैसेज हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, बंद कर देता हूँ स्ट्रिंग को। ये हो गया मेरा, एक ये मैं परफॉर्म कराता हूँ और एक ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ, वेर वन इक्वल इक्वल वेर। और ये आपके जो मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ ये इक्वल टू नहीं है गाइस, ये सिर्फ आपको मैं सेपरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेर वन इक्वल इक्वल वेर टू, देखिए क्या आएगा आपका आउटपुट। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने F5 प्रेस करा और देखो दोनों में ट्रू आ रहा है, बट फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, आपका एड्रेस मैचिंग हो रहा है, एड्रेस, और इसमें आपका क्या मैच हो रहा है, डेटा मैच हो रहा है। ये चीज मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ और मैंने आपको पहले भी प्रूफ करके दिखाई है। कैसे कर सकता हूँ वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि दो लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, एक का नाम हो जाएगा L1 और इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ लाइक आयरन मैन, कुछ भी डाल सकता हूँ, थॉर। मैं यहाँ पर अभी एवेंजर्स और मार्वल की कास्ट डाल रहा हूँ, मार्वल होगी मिस, और यहाँ पर हमारा विजन, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी है और इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इस लिस्ट में भी सेम डेटा है, जैसे कि ऊपर क्या था मेरे पास वेर वन और वेर टू में सेम डेटा था, यहाँ लिस्ट में भी सेम डेटा है। तब मैं यहाँ पर भी प्रिंट कराता हूँ, सेम चीज प्रिंट कराने, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बाद में वेरिएबल नेम चेंज कर दूंगा। सो दिस, बस मुझे क्या चेंज करना है यहाँ पे, वेर की जगह L1 हियर L1 एंड दिस इज L2। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई एड्रेस मैच हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा अभी देख लेते हैं। दिस इज ओके, ओके यहाँ भी चेंज करना है L1, ओके, दिस इज टू, L2 एंड L2, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे परफॉर्म कराया, तो आपको क्या मिल रहा है, इसमें फॉल्स मिल रहा है और इसमें ट्रू मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है यहाँ पे ट्रू मिल रहा है? ओके, आइए ऑब्जर्व करते हैं। मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज माय कोड। तो देखो L1 इक्वल इक्वल L2, यहाँ पर तो डेटा मैच हुआ है बट यहाँ पे एड्रेस मैच हुआ है, और आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसका एड्रेस हमेशा डिफरेंट होता है, डेटा का हमेशा सेम होता है। अगर डिफरेंट वेरिएबल में सेम डेटा है तो उनका एड्रेस भी सेम होगा, बट अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। बट गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज बताता हूँ, वो क्या है, मैं इसमें से लिस्ट का कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि L1 का मैं जीरोथ पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस करूंगा, ओके, L1 के जीरोथ पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस करूंगा और उसे कंपेयर कराऊंगा इज L2 ऑफ 0, ओके। तो ये सिंटैक्स है, जो पहला एलिमेंट है वो जीरोथ पोजीशन पे होता है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस ऐसा इसे देखो कि एक सीक्वेंस में जो डेटा है क्या उनका एड्रेस सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर L1 ऑफ 0 इज L2 of 0, okay, so this is my syntax,
मैंने यहाँ पर इसे ऑपरेट कराया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ओके मुझे क्या मिला है, टू मिला है। तो यहाँ पर देखो एड्रेस मैच हो गया है, ओके क्यों, दोनों में सेम स्ट्रिंग थी, इसमें भी आयरन मैन था और इसमें भी आयरन मैन था, बट अगर मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ, ये जीरो पे और ये वन पे, ओके मीन्स यहाँ से तो आयरन मैन उठा रहा है और यहाँ से ये थॉर को उठा रहा है, देखते हैं आएगा फॉल्स आएगा, ओके क्यों, क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये आपका एड्रेस मैचिंग और पैटर्न मैचिंग क्या है। जो ये हो रहा है ये पैटर्न मैचिंग है और ये क्या है, एड्रेस मैचिंग है, ओके। तो पैटर्न तो मैच हो गया, एल वन इक्वल इक्वल एल टू ऑब्वियसली ट्रू, ओके ये पैटर्न तो मैच हो चुका है, बट अगर एड्रेस की बात आई तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करें, पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है गाइस, ओके। तो आगे देखते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ओके। तो अगर मुझे किसी भी डेटा का टाइप चेक करना है, आपको पता है आप कैसे कर सकते हो, प्रिंट, ओके दिखा देता हूँ आपको, डेटा कैसे निकालते हैं एक बार और, छोटा सा फंक्शन है देख लेते हैं, टाइप ऑफ, एक बार में एक ही पैरामीटर पास होगा, आप मल्टीपल नहीं कर सकते हो, मैंने लिखा एल वन, और एक और कर लेते हैं, ये तो मेरा लिस्ट आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर ये L1 के लिए तो लिख लो, सो दैट आपको आपको मैसेज पासिंग कमेंट्स का यूज इसीलिए करना होता है क्योंकि आपको अपने कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी हो, तो सो दैट आप बाद में इसे देखो तो आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने करा क्या था। तो देखो यहाँ पर L1 और L2 दोनों में लिस्ट है, बट अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो वेर वन भी पास कर सकता हूँ, ओके वेर वन, सो हियर वी हैव L1, नाउ वी गेट प्रिंट। सो गाइस ये तो आपका सिंपल डेटा के बारे में और उसके टाइप के बारे में। अगर एड्रेस देखना है तो एड्रेस के लिए भी आपको पता है सिंपल सा फंक्शन है आईडी ऑफ एल वन, मैंने मैसेज डाल दिया यहाँ पर एक, और यही सेम आईडी ऑफ एल वन यहाँ पर मैंने पास कर दिया एक पैरामीटर। आप दो नहीं कर सकते हो, एक ही करोगे, अगर आप दो कर लोगे या आप एक भी नहीं करोगे तो क्या बोलेगा, एक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, अगर आप एक से ज्यादा कर दोगे तो देखो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है, आपको एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, ओके। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि यूजर से इनपुट लो और आप उसका डेटा बताओ कि क्या होगा, पहली बात तो यूजर जो भी इनपुट करेगा वो स्पेसिफिक होगा, ओके चाहे अगर आप यूजर से कोई भी इनपुट लोगे, अगर आपको इंट में चाहिए तो आप इंट में लोगे, फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में लोगे, बट अगर आपको उससे कोई स्पेसिफिक इनपुट लेना है, ये तो स्पेसिफिक हो गया इंटर फ्लोट, बट अगर आपको रैंडम इनपुट लेना है तो क्या आप सिंपल इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे, इनपुट एंटर, तो आपको पता है जो बाय डिफॉल्ट आएगा इसमें आपका वो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट सब कुछ प्रिंट करा सकते हो, एक्स में क्या है, ओके उसका टाइप क्या है, ओके टाइप ऑफ एक्स, एंड एट लास्ट मैसेज दे देते हैं एड्रेस, ओके सो एड्रेस के लिए आईडी ऑफ एक्स, देख लेते हैं, चलो ये हो गया मेरा, मैं यहाँ पर कोई भी चीज एंटर करूंगा, मैं अपना नाम एंटर कर सकता हूँ, ओके चलो कुछ और एंटर कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक मार्वल कॉमिक्स, ओके आई एम ह्यूज फैन ऑफ मार्वल कॉमिक्स, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया है मार्वल कॉमिक्स स्ट्रिंग एंड और एड्रेस, ओके इस स्ट्रिंग का एक एड्रेस। सो गाइस ये तो क्या था आपके बेसिक बेसिक से फंक्शन थे, अब हम कुछ थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कीवर्ड्स। सो गाइस इसका काम तो खत्म हो गया है, तो मैं कोड को कमेंट करता चलता हूँ जितना मैं उसे यूज करता रहूंगा, क्योंकि बार बार फिर ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कन्फ्यूज हो जाएंगे इतना सारा देख के, तो इससे बेटर है हम इसे कमेंट कर देते हैं और नीचे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें, तो आपको पता है भाई कीवर्ड्स होते क्या है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अगर आपको ये जानना है कि भाई कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, आपको पता है आप उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट कीवर्ड, तो ये आगे लाइब्रेरी आपकी। अब अगर आपको चेक करना है कि इस कीवर्ड लाइब्रेरी में कितने कीवर्ड्स पड़े हुए, तो एक फंक्शन आता है के डब्ल्यू लिस्ट, बट मुझे कैसे पता है कि वो फंक्शन के डब्ल्यू लिस्ट कहाँ पर है, तो आप क्या लगाओगे, कमांड होती है प्रिंट डिटेल्स, ये मैसेज दे दिया मैंने, और किसी भी लाइब्रेरी के साथ आप इस कमांड को चला सकते हो, इस फंक्शन को कॉल करा सकते हो, उस फंक्शन का नाम होता है dir डायरेक्टरी, ओके इसमें आपको क्या पास करना है, उस लाइब्रेरी या उस मॉड्यूल का नाम, तो उस मॉड्यूल का नाम क्या था यहाँ पर कीवर्ड, ओके तो मैंने कीवर्ड पास कर दिया, और जैसे इसे मैं ऑपरेट कराऊंगा तो देखो मेरे आउटपुट में मुझे क्या मिला, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, गाइस मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बार बार स्टार्ट बार ऊपर आ जा रहा है, तो मैं इसे इतना कर लेता हूँ, ओके सो दैट क्लियरली विजिबल हो। तो देखो डिटेल्स तो मेरा मैसेज था, ओके
अगर आपको इसे नेक्स्ट लाइन में लाना है कि आप चाहते हो डिटेल्स यहाँ प्रिंट हो और ये नेक्स्ट लाइन में, तो आप क्या न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करो, ये एक स्केप सीक्वेंस होता है गाइस। ओके इसके बारे में आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये देखो कि अगर आपको न्यू लाइन में लाना है तो आप उसमें स्लैश एंड यूज कर सकते हो। ओके तो देखो ये न्यू लाइन पे आ गया, स्लैश एंड इज योर एस्केप सीक्वेंस और न्यू लाइन कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फंक्शन है, ऑल बिल्ट इन एच डॉक फाइल, तो ये सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन है। नेम आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ऑल यूज करके दिखाता हूँ। ओके ऑल क्या, और देखो के डब्ल्यू लिस्ट भी यहीं पर ही अवेलेबल है, इस कीवर्ड भी एक फंक्शन होता है। तो देखते हैं एक्चुअली ये सब चीजें हैं क्या। मैं एक दो इसमें से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, जितना पाइथन में हम सारा का सारा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो मैं ऑल कीवर्ड को दिखाता हूँ कि ऑल कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पर लिखा मैंने ऑल, सिंपल ऑल को देखते हैं कि ऑल की वर्किंग क्या होती है। मैंने लिखा यहाँ पर हाँ ऑल ऐसा, तो देखते हैं एक बार फिर से देखने में कैसा था। हाँ डबल अंडरस्कोर ऑल डबल अंडरस्कोर, ये स्पेशल मेथड होते हैं। तो डबल अंडरस्कोर, और आपको किस लाइब्रेरी में बिलोंग करता है, कीवर्ड लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम कीवर्ड पड़ेगा, जो इतना बड़ा लिखा हुआ कीवर्ड, तो मुझे जितनी भी बार उसके फंक्शंस को कॉल कराना पड़ेगा मैं बार बार लिखूंगा कीवर्ड डॉट कीवर्ड डॉट। अगर मैं नॉर्मली से कॉल कराऊँ तो ये ऐसे होगा कीवर्ड डॉट डबल अंडरस्कोर, ओके कीवर्ड डॉट डबल अंडरस्कोर ऑल डबल अंडरस्कोर। देखो यहाँ पर अब अगर मैं इसे कॉल कराऊंगा तो ये मुझे ये बताएगा कि भाई कितने मेथड इसमें प्रेजेंट है, ऑल में कितने ऐसे मेथड है जो प्रेजेंट है, ऑल मुझे ये प्रोवाइड कराता है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यार ऑल मुझे प्रोवाइड क्या कराता है, बट मुझे बार बार क्या लिखना पड़ेगा कीवर्ड डॉट कीवर्ड। तो मैं इस कीवर्ड को छोटा भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एज, एज का एक एलियास क्रिएशन कीवर्ड होता है। मैंने बोला कीवर्ड को किसकी तरह ट्रीट करो, के की तरह या एक्स वाई जेड जो भी आप चाहते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, बट अगर आप इसे ऑपरेट कराओगे तो देखो इसके लिए कीवर्ड की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई, इसके लिए वैल्यू किसकी रह गई है, के की। इसे कहते हैं एलियास क्रिएशन, हियर के इज एलियास, ओके इसे कहते हैं एलियास क्रिएशन। आपने क्या करा, इसका एलियास बना दिया। गाइस अब निकनेम नहीं बोलोगे क्योंकि इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म, और निकनेम का मतलब क्या होता है, अगर आपका नाम है चिंटू, ओके लेट्स एग्जांपल, तो आगे और आपका लाइक जो प्रोफेशनल नेम है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको मैं प्रोफेशनल नेम से बनाऊँ या आपके निक नेम से बनाऊँ तो आप ही रिस्पॉन्ड करोगे। ओके तो क्या है, आप हो और आपके दो नाम है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसे निक नेम बोलूंगा कि के इज द निक नेम, तो कीवर्ड को भी एक्ट करना चाहिए था और के को भी एक्ट करना चाहिए था। इसे कहते हैं एलियास क्रिएशन। ओके एलियास क्रिएशन का मतलब है कीवर्ड एस के, मतलब आप कीवर्ड नहीं, अगर आपने एस में कर दिया तो वो के ट्रीट होगा हर जगह। मुझे आप कीवर्ड को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके तो देखो मेरा कोड कितना इजी हो गया, मुझे कीवर्ड कीवर्ड बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। सो दिस इज योर आउटपुट। ओके और देख लेते हैं, लाइक आपको क्या था नेक्स्ट फंक्शन, आपने क्या देखा था कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ओके तो अगर आपको सारे कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए तो आपको क्या कॉल कराना पड़ेगा, एक फंक्शन जिसका क्या नाम है के डब्ल्यू लिस्ट। यहाँ से पता चला भैया मेरे को, ये रहे के डब्ल्यू लिस्ट। So, sorry guys, my mistake, k.kwlist, देखते हैं। तो देखो आपके पास पूरी keywords की list आ गई है। अब अगर आपको ज्यादा डाउट है कि यार नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कीवर्ड इस लाइब्रेरी के पास कितने फंक्शन है, तो आप कुछ मत करो, सिंपल क्या लिखो के डॉट और यहाँ पर टैप प्रेस करो, के बाद क्या प्रेस करो आप टैप, तो ये खुद से बता देगा देखो यहाँ पर कि कितने फंक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके कितने फंक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, इस कीवर्ड के डॉट इस कीवर्ड। अब ये क्या है देखो, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ सबसे पहले तो, ओके तो ये मुझे क्या बोलेगा, एक मेथड है, ये क्या एक मेथड है, यानी अगर मेथड है तो क्या ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो देखो जैसे मैंने इसे कॉल कराया, ये क्या बोल रहा, कंटेन एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, मतलब आप इस कीवर्ड से ये चेक कर सकते हो क्या कोई भी वर्ड वो कीवर्ड है या नहीं है, रिजर्व कीवर्ड है या नहीं है। ओके चेक वेदर द वर्ड एनी वर्ड इस कीवर्ड आर नॉट, कौन सा कीवर्ड, रिजर्व वर्ड। ओके तो मैं यहाँ पर क्या पास करता हूँ, मैंने एक कीवर्ड पास करा कोई सा भी, या मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड, मैंने बोला बताओ एक्स वाई जेड क्या कोई कीवर्ड है। ओके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मैसेज भी पास कर देता हूँ जिससे मुझे पता चले, चेक चेकिंग वन सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा, देख लेते हैं। ओके तो देखो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, भाई
फ्रेजेड जैसा तो कोई कीवर्ड नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगेन इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कट हो गया था वो। सो दिस, ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी एक कीवर्ड और एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं, ये पैटर्न मैचिंग कर रहा है वहां पे जाके। मैंने लिखा फॉर, भाई फॉर भी एक कीवर्ड है, ओके, और आगे भी देख लेंगे। देखो ट्रू आ रहा है, ओके, क्या आ रहा है मेरे पास आउटपुट में, ट्रू आ रहा है, ओके। अब मैं इसी तरीके से देखो इम्पोर्ट भी एक कीवर्ड है, अगर आप कीवर्ड लिस्ट को देखोगे एक बार जाके तो आपको पता चल जाएगा, ओके, आपका जो कीवर्ड है उसमें आपका इम्पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो कहाँगी कहाँगी, हाँ ये रहा, ओके। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेट मी फाइंड इट, या दिस इज इम्पोर्ट, ओके, और फॉर भी होगा, तो ये रहा फॉर आपका। तो ये दोनों के दोनों कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर लिखा था ऑपरेशन टू में, ऑपरेशन थ्री में मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट। देखो इम्पोर्ट भी क्या है, एक कीवर्ड है, ओके, तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट लिखा। और पैटर्न मैचिंग ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल में लिख दो इसे तो वो फॉल्स देगा, ओके, देखो ट्रू दे रहा है, यस इज योर कीवर्ड। और एक साथ ये दो पैरामीटर नहीं ले सकता है, अगर आप ट्राई करोगे दो पैरामीटर देने की, ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, तो ये अपने आप से ही बोल रहा है। तो इस तरीके से आपने पता लगाया कि हाँ इसके कितने फंक्शंस हैं, देखो लाइक इसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ ये आपका जो कीवर्ड लाइब्रेरी है या फिर कीवर्ड मॉड्यूल है उसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल का नाम क्या है, जहाँ पर इस कीवर्ड के बारे में कोड लिखा जो भी आप एग्जीक्यूट करा रहे हो उसका नाम क्या है, आप इससे पता लगा सकते हो, ये फाइल की लोकेशन कहाँ है आप इससे पता लगा सकते हो। तो फटाफट से इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, प्रिंट सबसे पहले फंक्शन क्या, फाइल, ओके, फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो वही के डॉट अंडरस्कोर फाइल, नॉट फाइल, इट्स फाइल, ओके, देखते हैं एग्जीक्यूट करा के। तो देखो सी ड्राइव में मेरी लोकेशन है, सी ड्राइव में पाइथन 3.8 लिब्स, उसमें keyword.py नाम की एक फाइल है, ओके, अगेन नेम, प्रिंट नेम क्या होगा, ऑब्वियसली keyword.py, ओके, तो वही दिखा रहा था वो, हम देख लेते हैं के डॉट अंडरस्कोर नेम, सॉरी keyword.py नहीं होगा इसका, इसका नाम होगा ओके कीवर्ड, ओके, क्योंकि py एक्सटेंशन नहीं लगाएगा। तो फाइल का नाम क्या था मेरा, कीवर्ड। तो आपको अब समझ में आ गया कि हाँ ये जो इनबिल्ट फंक्शन है कहाँ पर होता है और आपको इसे कैसे एक्सेस करना है, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स की तरफ, क्योंकि इसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब देखते हैं डेटा टाइप्स को, तो दिस इज माय स्ट्रिंग, ओके, मैं लिखता हूँ एस, दिस इज माय स्ट्रिंग, ओके, इसमें कुछ स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, लाइक आई लव दिस वीडियो, I love this vid. So and print. सबसे पहले तो string को ही print करा लेता हूँ. After that, type of s. Not this. Type of s and at last length. Length of s. String की length. लेंथ फंक्शन का यूज करके, मतलब मैंने स्ट्रिंग को किसमें पास करा, लेंथ फंक्शन में, मुझे बताइए कितनी है। तो चलिए आप मैनुअली इसे देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 12, एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा। तो आउटपुट में तो 16 बता रहा है, कितना बता रहा है, 16। अब 16 क्यों बता रहा है, सो गाइस आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, मे बी आपको पहले से भी पता हो कि जो स्पेस होता है पाइथन में, इसे भी एज अ कैरेक्टर कंसीडर करा जाता है, स्पेस को एज अ कैरेक्टर कंसीडर करा जाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो ये कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर हो गया और ये कैरेक्टर हो गया, तो 12 के बाद 13, 14, ओके, एंड 15, मे बी मैंने शायद कम काउंट करा था, तो ये 12 या 13 के अराउंड होगा। तो टोटल मेरे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग पार्ट, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ लिख देता हूँ स्पेस, ये सब चीजें हम आगे और अच्छे से अभी ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको यूटिलिटी मेथड्स नहीं कराए हैं, वो मुझे आप लोगों को कराने, तो वहां पर हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, कैरेक्टर, ओके, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर और काउंटेबल होता है वो। आगे देखते हैं, ये तो छोटी सी चीज थी, अब देखते हैं एक और स्ट्रिंग, मैंने बोला एस टू और ट्रिपल कोट स्ट्रिंग, देख तो इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, माइन is x y z, okay, यहाँ पर मैंने देखो, अब मैंने यहाँ पर टैप, मैं एंटर प्रेस करा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ओके,
लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स। ओके तो मैं कुछ स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ यहाँ पे, आई लाइक GTA 5। तो मैंने इस तरीके से कुछ 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 भी कुछ भी कुछ भी लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूएशन कैरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, अगर मैं ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहा हूँ तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो खुद से ही कंटिन्यू कर लेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ आप लोगों के लिए, S2 लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो देखो जैसे मैंने इसे क्या करा था, आप पास करा था, वैसे ही प्रिंट हो रही है। अगर आपको इसे न्यू लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, न्यू लाइन कैरेक्टर, कि आप भाई आपकी जो स्ट्रिंग है वो नई लाइन में आनी चाहिए। तो देखो S2 यहाँ आ रहा है और मेरी स्ट्रिंग न्यू लाइन में आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये आपका ट्रिपल कोट और कितनी फंक्शनैलिटी रखता है। आपके कोड को कमेंट कर सकता है, आपके आपको यहाँ पर कोटेशन सॉरी कंटिन्यूशन कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही, आप इस तरीके से भी एज अ पैराग्राफ लिख सकते हो। ओके ये था आपका स्ट्रिंग के बारे में। अब अगर सपोज करो मैं करता हूँ प्रिंट, इसे बोलते हैं कॉनकेटिनेशन। तो मैंने शॉर्ट में इसे क्या लिख दिया, कॉनकेट। ओके कॉनकेटिनेशन क्या होता है, आप इसे एडिशन नहीं बोलोगे गाइस, ये गलत टर्मिनोलॉजी होगी, इसे आप क्या बोलोगे, कॉनकेटिनेशन। इफ आई कॉनकेट स्ट्रिंग S1 प्लस S2 तो इसे कहते हैं कॉनकेटिनेशन। तो देखो गाइस सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर S था। तो इसे जब मैंने एग्जीक्यूट कराया तो देखो क्या आ रहा, आई लव दिस विड एंड माई गेम सॉरी माई नेम इज XYZ, आई लाइक टू प्ले। तो देखो दोनों स्ट्रिंग एक साथ आ गए यहाँ पे, इसे कहते हैं हम कॉनकेटिनेशन। आगे देखते हैं गाइस। ओके अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन रख देते हो तो ये होता है आपका कॉनकेटिनेशन। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट एक स्ट्रिंग, कौन सी आपकी ऊपर वाली, S या S2, आप कुछ भी ले सकते हो, पर जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ उसका नाम है रिपीटिशन। ओके मतलब मैं रिपीट कराऊंगा चीजों को, ऐसे करा सकता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, स्लैशन लगा देता हूँ सो दैट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में है। मैंने लिखा S × 10, जो मेरा S है उसे आप 10 टाइम रिपीट कर दो, इसे रिपीटिशन कहते हैं, इसे आप मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल सकते, दिस इज योर रिपीटिशन। तो देखो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो कितनी 10 टाइम्स रिपीट हो गई है। ओके सो दिस इज योर कॉनकेटिनेशन ऑपरेशन एंड रिपीटिशन ऑपरेशन। ओके आगे देखते हैं डेटा टाइप पे थोड़ा सा और, अगर यहाँ पर एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ तो लिस्ट पे ऑपरेट कराते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दिखने में तो छोटे छोटे से हैं बट वो कहते हैं ना जो छोटी होती है उसे छोटा समझ के इग्नोर नहीं करा जाता। ओके तो इग्नोर मत कीजिए इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा बनाने में, मैं सीधा ऊपर से लेके आऊँगा लिस्ट। ओके क्योंकि मैंने यहाँ पहले बना रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे लिस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज माई लिस्ट A1, फिर इसे आप ले लो Y1 और एक लिस्ट Y2, ये मैं थोड़ी सी कुछ अलग सी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ Y1 प्लस देखो मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स डाले Y1 प्लस और ये मैंने एक और लिस्ट इसके साथ कॉन्कैट कराई है। ओके यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ 5 प्लस 3J, 3J तो हो गया है, इसे कुछ और लिख देते हैं 5 प्लस 3। जस्ट वेट अ सेक गाइस, सिंटैक्स एरर, इसे ऐसे लिख देते हैं, इसका मैं सिंटैक्स थोड़ा सा बोल रहा हूँ 5E+3। ओके तो देखते हैं अब, ओके एग्जीक्यूटेड, ओके डन। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नॉट इट्स प्रिंट Y1, सबसे पहले तो मैं Y1 देखता हूँ कि क्या होगा और उसके बाद देखता हूँ प्रिंट Y2, ये दोनों कॉन्कैट होंगे या नहीं होंगे Y2। ओके अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हाँ कॉन्कैट हो चुके हैं, ऑब्वियसली सेम डेटा टाइप कॉन्कैट हो जाता है। ओके बट आप यहाँ देखोगे मैंने क्या पास करा था 5E+3 और यहाँ पर आ रहा है 5000, तो इसका मतलब होता है 5 × 10³, यानी 5 × 10³ मतलब 5000 की बात हो रही, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ओके अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज करो कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा 5000000, तो देखो जीरो बहुत सारे हैं आउटपुट में, देखो अभी भी आ रहा है बट और जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर थोड़े से। ओके
यहाँ पर तो जीरो में ही आ रहा है आउटपुट। तो गाइस अगर आप ऐसे जीरो 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 बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर भी देखो जीरो 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 बढ़ता जाएगा। मैंने इतने जीरोस बढ़ाए थे तो देखो इतने जीरो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपको भी नहीं पता, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो इसे सिंपल लिखने का तरीका ऐसा है कि 5e मतलब एक्सपोनेंट एंड प्लस में जितने भी जीरो आपको लगाने हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए। लाइक मुझे 25 जीरोस लगाने हैं, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। सिंपल देखो यही लिखा गया, इसका मतलब 5 × 10^25, मतलब 5 के पीछे 25 जीरोस। सेम वही चीज है जो अभी मैंने वो 0 0 0 लगा के करी थी। तो ये था आपका एक्सपोनेंट पार्ट, बट इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें किससे लेना देना है, ओके, वाई वन और वाई टू से। तो देखो दोनों लिस्ट कॉन्कैट हो गई है। अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट छोड़ के टपल की, ओके, तो टपल में देखते हैं। वहां पर थोड़ा सा कुछ आपको शॉकिंग लगेगा कि हाँ ये हुआ कैसे, अगर आपको टपल की प्रॉपर्टी याद होगी तो। अगर याद होगी तब लगेगा आपको शॉक, नहीं तो नहीं लगेगा। से लगना भी नहीं चाहिए शौक आपको, शौक लगना अच्छी बात नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम P2, एक और टपल बनाई मैंने, दिस दिस दिस, ओके। मैं क्या करता हूँ, मैं परफॉर्म कराता हूँ प्रिंट T1 + T2, ओके। सो गाइस अगर आप लोग अभी भी नहीं सोच रहे हो कि चाहिए होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टपल आपका क्या होता है, टपल इज योर इम्यूटेबल। मतलब कि टपल एक बार बन जाता है तो ना आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो ना कुछ रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर तो यार ये हो गया, मतलब एक टपल में नया डेटा ऐड हो गया तो टपल की तो प्रॉपर्टी वाइड हो गई, बट ऐसा नहीं है गाइस। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ये आउटपुट बनाई एक नए ऑब्जेक्ट में बनाई, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों का जो सम आया है, सम बोल रहा हूँ सॉरी, जो भी आउटपुट आया है यहाँ पर एक नई टपल में कनकैट होके आया है, उस टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो ना उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो। लिस्ट में से तो आप कर भी सकते हो, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो निकाल सकते हो, तो हम वो करके देखेंगे जब हम लिस्ट अच्छे से, यूटिलिटी मेथड होता है लिस्ट का, वो पढ़ेंगे तब, ओके। सो गाइस अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि लाइक सपोज करो आपने किसी भी फंक्शन जैसे कीवर्ड आपने मॉड्यूल देखा था और आपको लगा कि यार मुझे नहीं पता कि किसमें क्या है, कौन सा फंक्शन क्या करेगा, तो आप सीधा क्या करो, हेल्प कमांड का यूज करो, हेल्प कीवर्ड। तो देखो जैसे ही मैं कीवर्ड नहीं आया, हेल्प क्या ले रहा है यहाँ पर, नेम एरर नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड, अच्छा मैंने कीवर्ड को इंपोर्ट नहीं कराया इस वजह से नहीं आया इंपोर्ट, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है मॉड्यूल है तो आपको उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ऊपर मैंने कमेंट कर दिया था, तो जैसे मैंने हेल्प कमांड चलाई है, प्रिंट कराने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से मुझे हेल्प मॉड्यूल ने क्या सब कुछ लिस्ट करके दिया है, क्या सबसे पहले तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कि ये है क्या, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, ओके दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, फिर फाइल यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब क्या फाइल है आपकी, ओके कीवर्ड डॉट, उसके बाद फंक्शन देखो क्या बोला, इस कीवर्ड कंटेन मेथड ऑफ इनबिल्ट फ्रोजन इंस्टेंस, ओके, और उसे ऑपरेट करने का तरीका बताया है, ओके, ऑल क्या आउटपुट देगा वो भी बताया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेट होगा और आपको हर कुछ बता देगा कि भाई कौन सी चीज क्या है। तो आप हेल्प मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो इसे ऑब्जर्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए चलो इसे कमेंट कर देते हैं, मैं तो आपको कुछ नया बताता हूँ। कमेंट ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें मैं और भी काफी कुछ ऐड कर दूंगा गाइस, तो देखते हैं इसे। सपोज करो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा लिस्ट, ओके, अगर आपको एक empty list बनानी है आप कैसे बनाओगे, मैंने लिखा L1 which is equal to this, ये क्या करेगा एक empty list बना देगा, देखते हैं ये empty list बनाएगा कि नहीं बनाएगा। print L1 comma type of, sorry words retyping, type of L1, okay, और बस चलो इतने से पता चल जाएगा मुझे, ओके ये टपल। तो देखो ये क्या बता रहा कि सॉरी ये लिस्ट है, ओके L1 इज योर लिस्ट, ओके, और कैसी है एम्प्टी है। और क्या तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट बनाने का, ये टपल बनाना हो तो आप क्या करोगे, इसे बस पैरेंथेसिस लगा दोगे, देखो तो दिस इज योर एम्प्टी टपल। अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है तो आप इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग, तो दिस इज योर str। तो ये सारे के सारे क्या है उसके एक तरह से कन्वेंशन बोल सकते हो, सिंबल्स बोल सकते हो, उसका यूज आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने इसे लिस्ट बनाया है। और क्या तरीका है, L2 which is equal to, मैंने लिस्ट फंक्शन को कॉल करा, किसे कॉल कर दिया यहाँ पर, लिस्ट
फंक्शन को, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। लिस्ट क्या है, एक फंक्शन है मेरा किसमें, पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हो कि कितने इनबिल्ट फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं पाइथन में। तो एल टू विच इज एल टू एंड एल टू, तो इसे ऑपरेट करते हैं, तो देखो ये भी क्या है, एक लिस्ट है। अब गाइस देखो, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, इससे भी लिस्ट बन रही है एम्प्टी, और इससे भी लिस्ट। मैं एक नई चीज करता हूँ, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लिस्ट फोकस, क्या करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा लिस्ट, और यहाँ पर क्या करा मैंने, इसमें वैल्यू डाल दी 78, मतलब मैंने यूजर डिफ सॉरी रिजर्व फंक्शन को कैसे ट्रीट कर लिया, यूजर डिफाइंड, कैसे ट्रीट करेगा इस यूजर डिफाइंड। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लिस्ट। ओके, लिस्ट। ओके, जहां पर भी मैं इसे ये करने से पहले भी मैं यही चीज प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लिस्ट। गाइस ऑब्जर्व केयरफुली, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। तो देखो, ये इसमें वैल्यू असाइन करने से पहले भी मैंने इसे प्रिंट करा, और इसमें वैल्यू असाइन करके भी इसे प्रिंट कराया, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर तो ये क्या थी, क्लास लिस्ट, इस वाले के लिए क्या थी, क्लास लिस्ट। ओके, बट यहाँ पर मैंने क्या करा, 78 इसमें क्या करा दिया है, असाइन करा दिया है। अब होगा क्या इससे, अगर मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को L2 को मैंने एग्जीक्यूट कराया था, मुझने मेरी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी थी ना, फिर से L3 में भी सेम चीज करता हूँ। ओके, L3 में भी मैंने क्या करा, सेम बिल्कुल जो अभी ऊपर करा था, इसे मैं कॉल करा देता हूँ यहाँ पे। और ये क्या करेगा, सिंपल कॉल कराया तो प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट L3। ओके, ये मुझे क्या बोलेगी कि भाई मैं क्या हूँ, एम्प्टी लिस्ट हूँ, हूँ एम्प्टी लिस्ट, दिख रहा है ना आप लोगों को। बट सेम चीज यहाँ पर करता हूँ L4 के लिए, L4 लिस्ट कॉल और प्रिंट L4। गाइस ऑब्जर्व केयरफुली, L4 को मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रिंट कराया, और जैसे मैं इसे यहाँ दिखाऊंगा तो एक एरर आएगी, क्या टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्या बोल रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो गाइस क्या हुआ, समझो लिस्ट एक फंक्शन था, काम कर रहा था अच्छे तरीके से, मैंने क्या करा फंक्शन को अपने लिए यूज करा, उसमें एक इंटीजर असाइन करा दिया, तो वो क्या बन गया, इंटीजर बन गया। ओके, मतलब अब इसमें क्या पड़ा है, इस फंक्शन में इंटीजर पड़ा है। ओके, मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से जब मैंने इस फंक्शन में इंटीजर असाइन कर दिया, तो ये कैसा हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। अब मैं इसे कॉल करा रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा है, भाई इंटीजर कॉलेबल नहीं होता, वो कोई फंक्शन थोड़ी जो कॉल हुआ। ओके, वो क्या था, वो तो लिस्ट था। तो आपने क्या करा, इनबिल्ट मॉड्यूल को मैनिपुलेट कर दिया एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप ये चीज कभी नहीं करोगे, अगर आपको करना ही है, आपको लिस्ट नाम का कोई वेरिएबल बनाना ही है, तो आप उसके आगे अंडरस्कोर लगा दो इस तरीके से, अब आप इसे यूजर डिफाइंड यूज कर सकते हो। तो देखो, आप सब कुछ सही हो गया है। ओके, अब सब कुछ सही हो गया है, तो यहाँ पर भी बस मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, तो अब 78 आपका प्रिंट हो जाएगा, और आपका लिस्ट भी वर्किंग में आ चुका है। ओके, देखो गाइस कलर भी चेंज हो रहा है, अगर मैंने इसे यहाँ से अंडरस्कोर हटा दिया, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, तो ये कलर कोडिंग है, जो फंक्शन होते हैं वो इस कलर से स्पेसिफाई होते हैं, जैसे आपका प्रिंट हो रहा है तो लिस्ट भी इसी कलर से हो रहा है। अब मैं इसे अंडरस्कोर लगा, तो देखो ब्लैक हो गया, वेरिएबल बन गया अभी है। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर क्या हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बनाना बताता हूँ गाइस, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। इफ आई सेड यार, आपको यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने और ये बताना है कि भाई तीनों इक्वल है या नहीं है, तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जितना आपने पढ़ लिया है मैं उस लेवल पे बताता हूँ। अगर आपको आगे भी पाइथन आती है, आपने थोड़ा और स्टडी करा है, मेरे आगे की वीडियोस देखी है, तो आप इसे इजिली कर लोगे इफ एल्स के थ्रू। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक सिंपल सा बताता हूँ, बट थोड़ा सा लेंथी है। तो मैंने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से इनपुट लिया है कैसा, इंटीजर, और मैसेज पास कर दिया एंटर फर्स्ट नंबर, इसी तरीके से 3 वैल्यू यूजर से इनपुट करा लूंगा मैं। तो आओ आइए कराते हैं X1 X2 और X3। सो यहाँ पर असाइन करा लेते हैं X1 X2 एंड X3। यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों वैल्यू आ गई, अगर आप तीनों को प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो, मैं एक ही लाइन में करा देता हूँ, मैसेज पास नहीं करता हूँ, सिंपल। अगर मुझे एक लाइन में तीनों को अच्छे से प्रिंट कराना है, तो मैं इस तरीके से करा लेता हूँ, स्लैश एन
इक्वल टू एक्स वन। देखो इस तरीके से मैं प्रॉपर एक सिंटैक्स लिख रहा हूँ, तो आप ये भी सीख लो। फिर स्लैश एन न्यू लाइन में आएगा क्या, एक्स टू इक्वल टू एक्स टू और स्लैश एन जो भी आपको नेक्स्ट लाइन में भेजना है बस उसके आगे आप क्या पुट कर दोगे, स्लैश एन। तो ये हो गया आपका एक्स थ्री। ओके जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो फर्स्ट नंबर डाला मैंने, सेकंड डाला और क्या बोल रहा है ये, कुछ मिस्टेक हो गई है। देख लेते हैं पहले क्या मिस्टेक हुई है। गाइस वो कमांड लाइन पे इशू आ रहा है थोड़ा सा, वो दिख गया। तो चलो फिर से एक बार अच्छे से वैल्यू डालते हैं, 45 45 एंड 45, तीनों वैल्यू डाल दी। तो देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे लॉजिक क्या लगाना था कि भाई तीनों इक्वल है या नहीं है, तो मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया आउटपुट। मैं लिखा एक्स वन इक्वल इक्वल एक्स टू, ओके एक्स वन इक्वल इक्वल एक्स टू एंड एक्स टू इक्वल इक्वल एक्स थ्री। ये चीज आपने पढ़ी है, ये क्या है एंड कैसा होता है आपका, लॉजिकल एंड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और एक्स थ्री इक्वल इक्वल एक्स वन, सबको एक दूसरे से कंपेयर करा दिया है। अब सब में ट्रू आएगा मतलब सारे इक्वल होंगे तभी ट्रू आएगा, और जब सारे ट्रू होंगे तभी मेरा आउटपुट में ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा तो मतलब तीनों इक्वल है, नहीं आएगा तो नहीं है। प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आउटपुट इक्वल, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके तो बस यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है आपको, ओपी। तो आओ इनपुट करते हैं 45 45 एंड 45, तो ऑब्वियसली ये तीनों इक्वल है। फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं अगेन, इट्स 12 45 एंड 87, तो देखो इक्वल नहीं है, फॉल्स। तो फ्रेंड्स अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जो हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा है देखते हैं। ओके तो ऊपर मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो अगेन ये बार बार इनपुट मांगेगा, उसे देना पड़ेगा मुझे। सो ओके डन, आओ देखते हैं। सो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ रैंडमली लाइक दैट, 4/3, छोटा सा मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रहती जो सॉल्वेबल हो, 2-1। चलो इसे आप बंद कर देते हैं और इसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं हम। यहाँ पर भी 4 सेम, ठीक है ये लिया था। ओके इनटू 2-1, ठीक है चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में क्या आएगा गाइस, आप गैस करो, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ इसे, तो आप लोग भी सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो इसे मैनुअली सॉल्व करेंगे इसलिए मैंने छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं। देखो क्या है, फोर सबसे पहले तो क्या चेक होगी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके भैया ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले किसकी किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है यहाँ पर, ओके पैरेंथेसिस की, तो पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या सॉल्व होगा आपका, जिसकी भी जैसी प्रेसिडेंस होगी तो आप टेबल से देख के पता लगा लोगे। तो देखते हैं सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करके क्या आता है आउटपुट में। सो गाइस बट अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको इसे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर एंड लगा है, एंड का मतलब क्या है, आपका जो आउटपुट आएगा वो किसमें आएगा, आपका आउटपुट आएगा बुलियन में। ओके ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, तो देखो अगर मैं 2-1 करता हूँ तो 1 आएगा, 0 तो होगा नहीं, और यहाँ पर भी 2-1 करता हूँ तो 1 आएगा, मीन्स कहीं से कहीं तक मेरी स्टेटमेंट 0 नहीं हो रही है। अगर 0 होती तब मैं ये पता लगा सकता था कि हाँ मेरे में कोई डाउट आ सकता है, मतलब अगर 1-0 आ गया तो मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। तो ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा, तो जब दोनों ट्रू है और एंड ऑपरेटर लगा है, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। मैं इसे ऑपरेट करता हूँ और फिर देखता हूँ आउटपुट में क्या आएगा। देखो इट्स योर एक्स 1 point something आ रहा है ये, देख लेते हैं चलो 1 point something क्यों आ रहा है। अगर 1.3 आई है आपने आउटपुट में देखा है, आउटपुट में जो 1.3 आया वो कैसे आया, ऑब्जर्व करते हैं आ जाओ। तो ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, 1.3 का मतलब क्या है, आपको मैंने ऑपरेटर पढ़ा है, सिर्फ आपको रूल्स ध्यान में रखना है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो पाइथन से रिलेटेड, तो आपको बस उसके रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए जो भी आपने पढ़ रखा है कि हाँ किसमें क्या रूल लग रहा है। तो एंड में आपको पता है दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा। ओके तो यहाँ पर ट्रू का मतलब क्या होगी, यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी और यहाँ पर भी ट्रू का मतलब है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो क्या होगा, पहले मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ फिर मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ 12 एंड 1.3, तो आपको क्या मिलेगा 1.3, और अगर मैं लिखता हूँ 1.3 एंड 12, तो आपको क्या मिलेगा 12। ओके तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस सॉल्व हुआ,
माइनस वन वन, फिर इन दोनों में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है आपकी मल्टीप्लाई की। ओके तो देखो मल्टीप्लाई या फिर अगर सेम प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी लग रही होगी तो क्या आप कैसे सॉल्व करोगे इसे लेफ्ट टू राइट। ओके लेफ्ट टू राइट तो देख लेते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा थ्री, ओके कितना थ्री को फोर से डिवाइड, तो फोर बाय थ्री अगर मैं इसे करूंगा तो क्या हो जाएगा थ्री मेरा इसमें जाएगा डिविजन में और ये मेरा डिविडेंड में जाएगा। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आएगा फोर डिवाइड बाय थ्री, तो देखो आपका 1.3 बन रहा है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट 1.3 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर भी ऐसी इसी तरीके से कुछ आया होगा और एंड ऑपरेशन लगा है तो आपको इसीलिए 1.3 मिल रहा है। ओके ये क्या था आपका रिलेटेड टू ऑपरेटर। अब देख लेते हैं एक और ऑपरेशन लाइक जेड वन विच इज इक्वल टू टू रैंडमली चलो छोटे छोटे वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी थ्री। गाइस देखो अगर मैं इससे बोलूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो आप लोग मुझे ऑब्जर्व करके बताओ सोचो क्या आएगा गैस करो तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। ओके तो एक्सपोनेंट ही सिर्फ एक ऐसा होता है जो आपका कैसे चलता है अदर ऑपरेटर्स तो आपके कैसे सॉल्व होते हैं लेफ्ट टू राइट बट ये सॉल्व होता है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर पहला क्या है बट पहले एसोसिएटिविटी नहीं देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है एक्सपोनेंट से भी ज्यादा है पैरेंथेसिस के। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के इंटरनल वाला सॉल्व होगा तो पैरेंथेसिस के इंटरनल कौन सा है आप लोगों को भी दिख रहा है यहाँ पर थ्री टू दी पावर टू। थ्री टू दी पावर टू का मतलब थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन और टू टू दी पावर नाइन कितना होगा यानी कि फोर सॉरी टू इंटू टू इंटू टू नाइन टाइम्स। ओके तो नाइन टाइम्स मतलब कि अगर मैं पेयरिंग करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू टू मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को सिंपल फोर इंटू फोर इंटू फोर क्योंकि एट टाइम टू था तो फोर कितनी बार आएगा फोर टाइम्स। ओके और इसको मैं करता हूँ 256 इंटू विच इज योर 512 तो देखो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो ये क्या था आपका प्रिंट जेड वन। ओके दिस इज योर जेड वन पार्ट। ओके दिस इज सिंटैक्स एरर तो इसे रिजॉल्व कर देते हैं। अब देखते हैं जेड टू चलो इसे मैं इस ऐसा लिख देता हूँ टू दी पावर टू। ओके आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा तो सोचो इसका आउटपुट क्या आएगा तब तक मैं यहाँ पर इसे प्रिंट में लिखता हूँ गेस करो फटाफट से जेड। ओके देखते हैं क्या आएगा सबसे पहले पैरेंथेसिस तो यानी टू टू द पावर थ्री विच इज एट और एट टू द पावर टू तो ऑब्वियसली बात है हम सबको पता है एट का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64 होता है। ओके डन आगे देखते हैं ये तो बहुत सिंपल सा था अब इसे देखते हैं। ये भी सिंपल सही है तो देखो ये भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसकी तरह ही है कुछ ना कुछ क्यों यहाँ पर अगर आप पैरेंथेसिस को हटा दिया है मैंने तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है दोनों में से दोनों की सेम है और अगर नॉर्मल कुछ होता तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कराता बट ये क्या है आपका एक्सपोनेंट और ये कैसे जाएगा राइट टू लेफ्ट। ओके राइट टू लेफ्ट वैसे कैसे चलता है आपका लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा थ्री टू द पावर टू विच इज नाइन और टू टू द पावर नाइन आपको पता है पहले भी कराइए 512 तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट में जेड थ्री तो मैं इसे ऑपरेट करा देता हूं तो दिस इज माय 512 सही आया है। आगे देखते हैं गाइस एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ओके आप गैस करना कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा इफ आई सेड समथिंग लाइक दिस मैं लिखता हूं फ्लोर डिवीजन ये आपका आपने पहले भी पढ़ा है और देखते हैं कितने लोग सही गैस करते हैं। तो देखो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर लिखा समथिंग लाइक 18 फ्लोर डिव 5 क्या आएगा गाइस आउटपुट गैस करो आप सबको पता आउटपुट क्या आएगा इस 5 3 15 यानी कि राउंड ऑफ हो गई तो यानी कि आउटपुट आपका क्या आएगा 3 आएगा। ओके आउटपुट आएगा आपका 3 ओके डन याद रखिए क्या है आउटपुट 3 अगर मैं सिंगल कर देता हूँ तो क्या आएगा आपका 3.6 आएगा बट इफ आई सेड माइनस 18 फ्लोर डिव 5 व्हाट इज द आउटपुट अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो आपका आउटपुट आएगा वो माइनस 3 आएगा तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके You are absolutely wrong. अगर आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस थ्री आएगा ओके okay?
देखते हैं पहले तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कराया और इट इज माइनस फोर आ रहा है, माइनस फोर। ओके आना क्या चाहिए था आप लोगों के हिसाब से, तो अगर उसका थ्री आ रहा था तो इसका भी माइनस थ्री आना चाहिए था। ओके क्यों नहीं आएगा इस माइनस थ्री, एक पॉइंट मैंने बोला था जब मैं इसे पढ़ा रहा था, प्रीवियस वीडियो में जाके सुन सकते हो उसे अच्छे से, क्या था वो पॉइंट कि जो भी ये आपका राउंड ऑफ होता है ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे होता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू में। तो माइनस 3.6 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी आपकी, सॉरी 3.6 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी आपकी, 3 थी। ओके और माइनस 18 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 नहीं होगी गाइस, सॉरी माइनस 3 नहीं होगी, वो क्या होगी आपकी माइनस फोर, माइनस फोर इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन माइनस थ्री। ओके तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये चीज पता होगी। ओके तो इसी वजह से यहाँ पर आपका आउटपुट जो आया है वो माइनस फोर आया है। सो गाइज दिस इज द ट्रिक क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं बट आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, जितना भी हमने पढ़ लिया मैंने आपको कुछ नया भी बताया है आप ऑब्जर्व करोगे तो, और कुछ काफी कुछ इसमें आपको सॉल्व भी कराया है। बाकी इस वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक में दूंगा आपको, क्वेश्चन जो आपका लिंक मिलेगा आपको, उसमें आपके 50-60 क्वेश्चन होंगे। थ्योरी में जो आपको दूंगा जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है आप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी थ्योरी होगी जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं डिटेल में। ओके मैंने और भी थ्योरी दी है, इसमें आपको जॉब इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन के रिगार्डिंग थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगा और 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपको वहां मिल जाएगा, प्लस आपको मैंने यहाँ पर काफी कुछ करके दिखा दिया है। सो गाइज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी हो। सो गाइज आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है कि आपको आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है तो यार दूसरों तक भी दो, अकेले रख के क्या करोगे। सो गाइज टिल देन थैंक यू वेरी मच।